हाँ जी, बोल दिया किसी को? 112 का नंबर नहीं मिल रहा आपका? एमरजेंसी कॉल आवा उसके बाद मिलता है को नहीं? फिर 112 सर्वर डाउन हो तो किसी ने कर दो, और उनके आपके पर्सनल नंबर दोगे ना? 112 पर मैंने 3-4 ट्राई कर ली, 112 पर नंबर नहीं मिल रहा। अब ना गाड़ी गाड़ी है यहाँ, बंदे है नहीं, अभी जाना हो। हाँ जी, चोट तो पता लगेगा ना भाई, कौन को आप कहाँ गया बंदा, या गाड़ी की भी संभाल करनी, सुनसान में गाड़ी खड़ी है। ठीक ठीक है ठीक। तो पर लाइव है तस्वीरें, और कोहरा बहुत ज़्यादा है, गाड़ी की हालत आपके आगे है, आगे से गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। किस चीज़ के साथ ये गाड़ी भिड़ी है ये नहीं कहा जा सकता, और गाड़ी के अंदर भी इस समय कोई नहीं है। भाई, 2-3 भाई थे जो करनाल की साइड से आ रहे थे, उन्होंने देखा, सूचना दी, अभी पुलिस को भी बुलाया है। कितनी देर पहले का वाक्य है, और किस तरफ से आप लोग आ रहे थे? हम भाई साहब करनाल से आ रहे थे, हम खाना खाने गए थे वहाँ, दोस्त 2-3 बैठे थे हम इकट्ठे, तो हम असंध आ रहे थे, तो रास्ते में देखा भी गाड़ी कोई एक्सीडेंट हुई पड़ी है। थोड़ा आगे निकल के वहीं से हम घूम के वापसी आए, हमने देखा भी गाड़ी डिजायर गाड़ी है, कोई बंदा कोई संध का या जानकार कोई अपना बीच में ना हो, इसी कारण इंसानियत के नाते हम घूम के वापसी आ गए। बिल्कुल, फिलहाल आपको कॉल की और गाड़ी संभलवाई। एक बार भी भाई साहब ये ऐसे ऐसे रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, और आप एक बार पता करो कौन है। करनाल का नंबर है, और HR05AR5959 है, HR05AR5959। तो आप लोग आगे से वापस आए? हाँ जी, हम असंध की साइड जा रहे थे, और काफी आगे निकल गए, फिर तुरंत हमने घुमा के जब देखा भी एक्सीडेंट हुई है गाड़ी, तो हम उल्टा वापसी आए इसी तुरंत साथ के। रात का अंधेरा था, कोहरा बहुत ज्यादा था, और जमीर इसी को कहते हैं कि आदमी आगे जा करके जब उन्होंने थोड़ा ध्यान किया कि वो गाड़ी एक्सीडेंट है, क्योंकि यहाँ जो गाड़ी के आगे का जो सामान है वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। गाड़ी किस चीज़ के साथ किस चीज़ में भिड़ी है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन भाइयों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी में इस समय कोई नहीं है। वो व्यक्ति करनाल की साइड गए हैं, चोट कितनी लगी है, या फिर वो असंध की साइड गए हैं। तो आप भी साथ ही थे जी? हाँ जी। अच्छा, आप तीन लोग थे? भैया गाड़ी देखी, पीछे करना तैयार थे, गाड़ी देखी, किसके भैया की गाड़ी है, किसी पुलिस वाले से होया, किसी से? नहीं, किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ अभी हमारा, अभी हमने तुरंत आपको ही कॉल किया, फिलहाल देखते ही भी ऐसे ऐसी कोई बात होगी, एक बार आप आ जाओ। 112 का जो नंबर है वो नहीं मिल रहा, तो अभी मैं नंबर एक बार दिखा दूं गाड़ी का, HR05AR5959, और इस समय गाड़ी का ये नंबर है, और हम गवो वाले ये गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है। गाड़ी आगे से, सर 112 का नंबर मिल रहा, और जयसिंहपुर से जवाड़ा के बीच में ना गाड़ी एक्सीडेंट है, बंदे इसके अंदर है नहीं, तो ये नहीं पता गाड़ी किस तरफ जाने की, गाय की साइड गाड़ी उतर रही है। 112 का नंबर मिल नहीं रहा, भेजो ना किसी ने। अब भेजना सर, यहाँ वीरान में गाड़ी खड़ी है, कभी और नुकसान ज्यादा नुकसान हो जाए, भेजना सर, दिखाना एक बार कितने। देखिए कोहरा ज्यादा है, गाड़ियों की स्पीड जो है, ये बड़े जो ट्रले हैं ये आपको टक्कर मार के निकल जाएंगे, लेकिन इसमें सूद लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इन लोगों को ऊंचाई से काफी नजर आता है। छोटी गाड़ियां इनके पीछे चले तो ठीक है, आगे से यदि आती है तो काफी नुकसान हो सकता है, और बिल्कुल छोटी गाड़ियों के सामने कुछ भी जो नजर नहीं आता, इसीलिए बार बार कहते हैं 5 बजे के करीब, उसके बाद धुंध शुरू हो जाती है, आप अपने घर पहुंच जाए। हम तो इन भाइयों से भी कह रहे थे, भाई आप भी जो है लेट हो गए थे, और अभी पुलिस को फोन किया है, लेकिन धुंध कितने बजे पड़ी करनाल से चलते हुए? करनाल से भाई सब चलते जैसे 6-6:30 बजे धुंध स्टार्ट हो गई थी, और हम निकलते निकलते हमें भी काफी धुंध का मतलब कि सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो फिलहाल रास्ते में आते ही ये वाक्य हुआ, देखा हमने वहीं गाड़ी रोक के, और आपको कांटेक्ट किया भी, ऐसे ऐसे भाई साहब गाड़ी का नुकसान हुआ पड़ा, एक बार आप आके संभलवाओ इसको। एक बार अंदर का देखा भाई, कोई सामान गाड़ी के अंदर नहीं है, अब ये निकाल जा सकता गाड़ी का सब, हैंड ब्रेक उन्होंने अपने आप ही लगाई होगी ना इस साइड में, और गाड़ी है, चावल है, लेडीज भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं,
और इस समय ये स्थिति इतनी गंभीर है कि ये नहीं कहा जा सकता कि जो ड्राइवर है या उसके साथ जो लोग बैठे थे वो कोई आइडेंटिफाई, वो शायद सामान जो है अपना साथ ले गए, लेकिन वो असंद गए, करनाल गए, ये नहीं पता। लेकिन चलो जाको राके साइया मार सके ना कोई, परमात्मा करे भाई कोई नुकसान ना हो। इसीलिए दोस्तों धुंध का जो समय है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, 5 बजे के बाद धुंध शुरू हो जाती है। प्रधान जी आज कहाँ गए थे? आप भी आपकी बहुत जरूरत है, अभी बहुत जरूरत है संधो। मैं करनाल से जा रहा था, ये भाई साहब डेरा कुछ राकेश को देख खड़ा हुआ और देखा गाड़ी आगे से लगी पड़ी है और इतने में उतरा तो आप सारे यहीं पे इकट्ठे हो गए। बाकी धुंध में थोड़ा आराम से गाड़ी चला, अभी देख रहे हैं और गाड़ियां स्पीड में आ रही है बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं आपका पीछे परिवार है, बच्चे हैं, आपके घर वाले हैं, उनका देख के। ये ट्रक दिखा भाई, ये ट्रक दिखा, इसकी स्पीड देख, ये ट्रक देखिए, आगे नजर नहीं आता लेकिन ये ट्रक है, बड़ी गाड़ियां हैं, इनके ऊपर जो बैठते हैं लाइटें तेज होती हैं। स्पीड देखिएगा आप, 70-80 की स्पीड पर आगे कोई भी यदि गाड़ी एकदम से आती है उसको टक्कर मारते ही जो है निकल जाएंगे। अब बड़े जो ट्रक वाले हैं, टेंटर वाले हैं, वो ये कहेंगे आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं। बिल्कुल है भाई, आपकी गाड़ियों की जो लाइट है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, आपको तो कुछ नजर आ जाएगा, छोटी गाड़ी वाले को कुछ नजर नहीं आता, थोड़ा छोटी जो गाड़ी है उनका ध्यान रखे। तो प्रधान जी क्या मैसेज, धुंध ज्यादा है, क्या कहेंगे लोगों को? मैसेज तो ये है कि पहले तो आराम से गाड़ी चलाएं, अगर इमरजेंसी है तो घर से बाहर निकले, अदरवाइज मतलब अपना जो टाइम टाइम वो चेंज कर लें। तो ये भाई साहब हमारे गुडेरा कुछ रखे जानकारी, इसलिए मैं खड़ा हो गया, अदरवाइज कोई वैसे खड़ा भी नहीं होता कि उसको सोचा लुटेरे होंगे, ये होगा जिस तरह साइड में लगी है। तो धुंध क्या, सर्दी से बचने के, धुंध से बचने के टाइम से अपने घर पहुंचे और सुरक्षित रहे और सामने को सुरक्षित रखे। बिल्कुल। और भाई सरदार जी आप भी आगे से टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ। हम टाइम से ही आएंगे, हम तो फिलहाल दोस्त की पार्टी थी वहाँ गए थे तो रास्ते में आते आते थोड़े लेट हो गए, फिलहाल हमारा तो कोई इस टाइम आने का तो की नहीं बढ़ता। नजर इस समय कुछ नहीं आ रहा लाइटों की वजह से, बिल्कुल दिखाओ एक बार दिखाओ, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कुछ भी जो नजर नहीं आता। और गाड़ी के जो पार्ट्स है आगे के वो यहाँ टूटे पड़े हैं, गाड़ी असंत की साइड जा रही थी या करनाल की साइड वो समझ से परे है। अब यहाँ कुछ पानी भी गिरा हुआ है और काफी गाड़ी करनाल की साइड जा रही, किसी ने किसी चीज के साथ जो है गाड़ी भिड़ी है। पुलिस को जो है भी संपर्क किया गया है, 112 का नंबर यदि नहीं मिले असंत के एरिया में तो 0-1749-278-234 और या फिर SHO के नंबर पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं। ये भाइयों की एक मिसाल दे, क्योंकि जैसे ही इनका ध्यान पड़ा कि सड़क के ऊपर एक्सीडेंट है, इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, आदमियों को देखा, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि एक्सीडेंट के बाद आदमी क्या पता अंदर ही कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो भाई अपना बचाव जरूर कीजिएगा और इस समय इस कोहरे में बड़ी गाड़ियों से आप जरूर बचिएगा। पुलिस मौके पर पहुँचने वाली है, नंबर एक बार दिखा दो। और आगे से पूरा बिल्कुल पूरी ये डैमेज और स्विफ्ट डिजायर, ये जो मारुति की गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर, इसका जो बैलेंस है वो बहुत कमजोर होता है, कई बार हम आपको दिखाते हैं स्विफ्ट डिजायर का जो बैलेंस है वो बहुत कमजोर है, गाड़ी का जो एक्सीडेंट रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। किसी पुलिस स्टेशन में पता करेंगे तो मारुति की स्विफ्ट डिजायर का रेशियो बहुत ज्यादा है। आगे से ये देखिए बिल्कुल एक पथरा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ऐसा पूरी की पूरी गाड़ी थोड़े से एक्सीडेंट में जो है अंदर को घुस गई। और दावा किया जाता है कि आपकी प्रोटेक्शन गाड़ी के अंदर की जाएगी, शायद गुब्बारे इसके अंदर नहीं है लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं वो हो सकते हैं। गाड़ी का नंबर एक बार मैं फिर दिखा दूं, और भाई जिस भी भाई की गाड़ी हो, करनाल वाले देख रहे हैं, असंद वाले, HR05 AR5959, इनका कोई कांटेक्ट नंबर निकलता है क्या इसके ऊपर? नहीं भाई साहब, इनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं इससे निकल रहा। हाँ, नाम शो हो रहा है, ये फलाने फलाने बंदे की गाड़ी। हाँ, ये भी सबसे बड़े ये नाम से शो, क्या नाम आ रहा है जी? सेम पूछा ना, तरसेम के नाम से है, तरसेम से के नाम से जो है गाड़ी का कॉन्टेक्ट नंबर जो है आ रहा है। और भाई बार बार आपको यही कहेंगे, बहुत 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 ज्यादा को हो रहा है, ठंड एकदम से पड़ गई है, दिन में मौसम साफ हो जाता है, लेकिन एक्सीडेंट से बचाव रखें, अपने घर समय से आए, समय से जाएं। बड़ी गाड़ियां इस कोहरे में बड़ी तेज चलती है और देखिए आपके सामने गाड़ी की हेडलाइट टूट चुकी है। इस गाड़ी पर कम से कम 1-1.5 लाख रुपया खर्चा है, कंपनी
कहेगी इंश्योरेंस उसके ऊपर नखरे करेगी, सारी गाड़ी के जो प्रकच्चे हैं वो देख सकते हैं किस तरीके से जो है उड़ चुके हैं। 112% पर किया है, सर्वर डाउन है क्योंकि इस कोहरे में बिजली चली जाती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए आप 0 17 49 278 278 234 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर और SHO साहब का जो है सरकारी नंबर मैं आपको दे दूं, यह नंबर है 97299-90720 SHO साहब का नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अभी कहा गया है अभी शायद पुलिस की जो टीम है वो पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले कोई भाई किसी गाड़ी का ये नंबर हो, करनाल की गाड़ी लगती है तो आप संपर्क जरूर कीजिए। अब एक बार पता कर लेते हैं सिविल हॉस्पिटल में भी, अब ये भी नहीं पता लगेगा हॉस्पिटल। तो इस समय लाइव है तस्वीरें और हाँ बिल्कुल देखिए, इससे थोड़ा सा परे यदि मैं बात करूं तो शायद इस पेड़ की वजह से, ये पेड़ आपका सहारा बना है, ये पेड़ जो है देखिए किस तरीके से गाड़ी के अंदर ये पेड़ घुस गया, इसने गाड़ी को, उसने ब्रेक भी लगाए हुए, हैंड ब्रेक भी लगाए हुए, लेकिन ये पेड़ भी जो है सहारा बना है। इससे आगे यदि मैं आपको दिखाऊं एक गहरी खाई है, इसके अंदर गाड़ी पलट भी सकती थी, आपको ज्यादा चोट भी लग सकती थी, लेकिन भाई फिर बार बार यही कहेंगे कि ध्यान से चलिएगा, गाड़ी ध्यान से चलाइएगा ताकि आपके बच्चे, आपका परिवार जो है आपकी वेट करता है। और HR05AR5959 जो है गाड़ी का नंबर, HR05AR5959 गाड़ी का नंबर है, और इस पेड़ की वजह से गाड़ी इस गड्ढे में गिरने से बच गई, हैंड ब्रेक लगे हुए हैं, आगे क्या किस चीज से टकराई ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन गाड़ी आगे से पूरी की पूरी डैमेज खत्म। अब चोट लगे सर बेचे को, बेचे सर कोई, जी 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 ठीक है सर, ठीक है ठीक है, ओके ओके थैंक यू। तो अभी SHO साहब से बातचीत हुई है कि गाड़ी उन्होंने भेज दिया क्योंकि सर्वर डाउन की वजह से नंबर नहीं मिल पाता, लेकिन ये लोग जहां भी है भाई आपकी गाड़ी सेफ है और आप अपना इलाज करवाइए। अभी गाड़ी आपकी जो है कोशिश ये करेंगे पुलिस स्टेशन भेजेंगे या फिर किसी की केयर में डालेंगे, और इन भाइयों का धन्यवाद है जिन्होंने जैसे यहाँ से गाड़ी क्रॉसिंग की और ये देखा कि एक्सीडेंट हुआ है और तुरंत प्रभाव से गाड़ी को रोका, क्योंकि रात को लूट बात भी हो जाती है ऐसे ऐसे स्थिति। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम भाई साहब इंसानियत के नाते हमने देखा भी किसी का परिवार हो या बच्चे हो बीच में, किसी का नुकसान हो जाए, या आजकल देख रहे थे कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था, हमने गाड़ी रोकी और हमने देखा भी किसी का परिवार ना। ये 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 देखो ये 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 ये, ये किस तरीके से, ये जो बड़े टेंटर वाले हैं और वो उस तरफ बड़ी गाड़ी है, ये समस्या है, कोहरा बहुत ज्यादा है लेकिन बावजूद उसके गाड़ियां किस तरीके से ये लोग चलाते हैं, गाड़ी अभी तेज चल रही है। हाँ जी, हद से ज्यादा तेज चला रहे हैं, ये तो ये सोच ही नहीं रही धुंध पड़ी है या कोहरा पड़ा हुआ है, बिल्कुल नुकसान का तो किसी को डर ही नहीं आज के टाइम में, देख रहे हैं कोई जान की भी परवाह नहीं है बहुत। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल भाई, परिवार आपकी वेट करता है, आप कहीं जाते हैं परिवार, बच्चे आपके माँ बाप आपकी वेट करते हैं, ऐसा काम ना करें कि आप देरी सवेरी हो जाए, कोशिश करें कि समय से आप अपने परिवार के बीच पहुँचे। और ऐसे जो लोग समाज सेवा में जो लोग मदद करते हैं, कोई दिलेर होते हैं भाई, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि कई बार इस कोहरे में लूटपाट भी हो सकती है, कुछ भी जो है नज़र आपको यहाँ यहाँ देखो, ये तो थोड़ा सा लाइट की वजह से नजर आ रहा हुआ, बिल्कुल जीरो हो गया हुआ 2-4 मीटर में, लेकिन चलो परमात्मा ना करे भाई, कुशल मंगल हो और पुलिस की जो गाड़ी है वो मौके पर पहुंचने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, धुंध बहुत ज्यादा है, जितना दिन में मौसम साफ होगा उतनी जो धुंध है वो ज्यादा होगी। पुलिस अभी पहुंचने वाली है और जब पुलिस पहुंचती है बताते हैं कि कौन वो लोग हैं और सरकारी हॉस्पिटल में जो है पता करने की कोशिश करते हैं। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, लेकिन सतर्क जरूर रहिएगा क्योंकि कोहरा और ठंड बहुत ज्यादा है, परिवार के जो लोग हैं वो आपकी वेट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर पे छोड़ दो, नंबर दिखा दो अच्छी तरीके से ना, नंबर दिखा दो, हाँ आगे से दिखा दो, HR05AR5959
H405AR595 है, इनकी गाड़ी को छुड़वाना पड़ेगा। ਬੈਟਰੀ